हेलो फ्रेंड्स, गैप बिटवीन टू प्रेगनेंसी सेकेंड चाइल्ड प्लान करते हुए अक्सर कपल्स ये कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें पहले बच्चे के बाद, पहली प्रेगनेंसी के बाद सेकेंड कब प्लान करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पे मैटर करती हैं और आखिर ये गैप रखना क्यों ज़रूरी होता है, आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशनल चेंजेस भी होते हैं, क्योंकि बच्चा हमारी बॉडी से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करता है। बच्चे को ग्रो करने के लिए कैलोरीज चाहिए, विटामिंस चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, तो ये सब चीज़ें हमारी बॉडी से ही वो बच्चा निकालता है। हम वेट गेन करते हैं, हमारे जॉइंट्स में कुछ चेंजेस आते हैं, हमारा यूट्रस एक्सपैंड करता है, फिर डिलीवर होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये सब इतने सारे चेंजेस हमारे हार्ट में आते हैं, हमारे ब्लड सिस्टम में आते हैं, हमारे हॉर्मोन्स में आते हैं। तो डिलीवरी के बाद उन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज होने में कुछ टाइम लगता है, और उस टाइम के दौरान अगर हम फिर से प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर एक एडिशनल लोड आ जाता है, जिसकी वजह से माँ और बच्चा दोनों को परेशानी हो सकती है। अगर हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो हमारे पास ऑलरेडी कमी थी, और उसमें अगर हम अपने और खर्चे बढ़ा देते हैं तो हमारे घर का बजट पूरा हिल जाता है। तो कुछ इसी तरीके का इम्बैलेंस हमारी बॉडी में भी आ जाएगा अगर हमने प्रॉपर गैप दो प्रेगनेंसीज के बीच में नहीं रखा है। तो अगर हम इम्बैलेंस की बात करें तो मदर को वीकनेस ज़्यादा आ सकती है, उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी हो सकती है, कमर में दर्द होना, वीकनेस लगना, जॉइंट पेन होना, ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि मिसकैरेज हो जाना, टाइम से पहले डिलीवरी होना, बीपी बढ़ जाना या शुगर हो जाना, वेट गेन जो है वो डिसप्रोपोर्शनेट होना, यानी कि ज़रूरत से कम या ज़रूरत से ज़्यादा होना, ये सब तकलीफ़ें मदर को हो सकती हैं। और अगर हम बच्चे की बात करें तो जो मेन रिस्क होता है, अगर हम टाइम से पहले या कम टाइम में डिलीवरी करते हैं तो उसमें प्री मैच्योरिटी का रिस्क, गैप अगर दो प्रेगनेंसीज के बीच में कम है तो प्री मैच्योरिटी का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। और हम सभी जानते हैं कि एक बच्चा अगर प्री मैच्योर होता है तो आगे जाकर के उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये हमें बताता है कि क्यों ज़रूरी है दो प्रेगनेंसीज के बीच में गैप रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आखिर ये गैप आइडियली कितना होना चाहिए। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मदर की एज कितनी है जब हम सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी का आउटकम क्या था, मतलब कि वो प्रेगनेंसी नॉर्मल डिलीवर्ड थी, अनकॉम्प्लिकेटेड थी, सिजेरियन हुआ, मिसकैरेज तो नहीं हुआ, ये सब हमें जानने की ज़रूरत पड़ती है। पहली प्रेगनेंसी में अगर सिजेरियन हुआ था तो पोस्ट डिलीवरी कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की नीड तो नहीं पड़ी, स्टिचेस तो नहीं ख़राब हो गए। और फर्स्ट प्रेगनेंसी का आउटकम अगर अनफॉर्चुनेटली बहुत ख़राब रहा, यानी कि मिसकैरेज हो गया या किसी वजह से हमें प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना पड़ गया, ये सब पैरामीटर्स को डिसाइड करने के बाद, देखने के बाद हम बताते हैं कि सेकेंड प्रेगनेंसी कब प्लान करनी चाहिए। अदरवाइज इन अ नॉर्मल फीमेल आइडियल गैप होता है एज पर WHO रिकमेंडेशन 2 ईयर्स का। अदरवाइज अगर आप फिट हैं, हेल्दी हैं, आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड रही थी, तो 1.5 साल के बाद भी आप सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड रही, कि अगर सिजेरियन हुआ है और उसमें स्टिचेस ख़राब हो गए थे, या बच्चे प्री मैच्योर हुआ जिसकी वजह से बच्चा हॉस्पिटलाइज रहा, पोस्ट डिलीवरी मदर को फिट्स आ गए या उनको फीवर आ गया, तो ऐसे केसेस में बेटर रहता है कि रिकवरी हो जाने तक बोथ मेंटल एंड फिजिकल हम वेट करें। मिनिमम 2 ईयर्स तो करना ही है, लेकिन कभी कभी 3, 4 या 5 साल के गैप के लिए भी हम लोग सजेस्ट कर देते हैं। अगर पहला प्रेगनेंसी का आउटकम मिसकैरेज था, यानी कि अबॉर्शन हो गया था, तो ऐसे में एज़ पर WHO मिनिमम 3 मंथ्स का गैप ज़रूरी है। लेकिन यूरोप में, अमेरिका में, या कभी कभी ऐसे केसेस जहाँ पे मदर की हेल्थ ठीक नहीं है, हम लोग भी सजेस्ट करते हैं कि 6 मंथ्स का गैप दे देना चाहिए। अगर हम ये गैप को कम रखते हैं तो चांसेस कंसीव करने के तो मोर और लेस सेम रहते हैं, लेकिन कंसीव हो जाने के बाद फिर से अबॉर्शन हो जाएगा या मदर को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, वो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन नटशेल, अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड रही थी तो मिनिमम 18 मंथ्स का गैप, प्रेफरेबली 2 ईयर्स का गैप सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए रखना चाहिए। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड रही थी तो आप अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करिए, इन दैट केस गैप 2 to 5 ईयर्स का हो सकता है।
और अगर पहली प्रेगनेंसी का आउटकम अबॉर्शन था, मिसकैरेज था, इन दैट केस 3 to 6 months का गैप देना चाहिए नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें।